ए तू क्या यहाँ समंदर में कपड़े धो रही है लाके? क्या आज फुल एडवेंचर ही करना है भाई अपने को? ऐसा तो नहीं कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लखनीत व्लॉग्स। और सबका दिन बहुत अच्छा जाए, जल्दी से अटेंडेंस लगा दो। कौन कौन यहाँ पर आ चुका है व्लॉग को लाइक कर दो। तो आज सुबह सुबह हम लोग जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए बीच पर। मेरा बहुत टाइम से सपना था कि मैं और नीतू दोनों मॉर्निंग वॉक करें बीच पर, बट जब भी मैं ऐसी जगह जाता हूँ ना सुबह जल्दी उठ नहीं पाता। आज तो भाई हिम्मत करके उठ गए हम। नीतू अंदर गई है कार्ट को कॉल करने के लिए, कार्ट आ गई है। नीतू आजा, कार्ट आ गई। नीतू कितनी बार प्लान बनाता था मैं कि हम लोग मॉर्निंग वॉक पर बीच पर चलेंगे ना, आज पहली बार जा पा रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट नीचे हो रहा है यहाँ पे उस तरफ। ये तो रास्ता पूछ ले यार, तो जाएंगे कहाँ से ये तो पूछ, यहाँ से थोड़ी ना कूदूंगा मैं। ओके, लिफ्ट से जाना है, लिफ्ट से। पत्थर असली है नकली है? बिंदी कब लगाई तूने? नमस्ते दर्शकों, आपका लखनीत व्लॉग में हार्दिक स्वागत है। चलो थैंक यू। देखो पूनम मैम तो यहीं से दिखाई देगी मेरे को। कहाँ हो रही ना उधर, इतनी पतली नहीं है। हाय गुड मॉर्निंग। ये तो पूनम बिष्ट है यार, पूनम बिष्ट है ना ये मैम? यू फ्रॉम इंडिया? और ये मैं पानी की बोतल कल जो मैंने खरीदी थी ना वो आज खुद से लेके जाऊंगा ताकि हम वहाँ पर हाइड्रेटेड रहें। सुबह सुबह नूडल्स मैन, पता नहीं मैंने क्यों ले ली, मुझे हमारी ट्रिप को इतना अच्छा बनाने के लिए। हर बार आप हमें ट्रिप अच्छा बना देते हो क्योंकि बहुत से लोग उस जगह ऑलरेडी होते हैं तो हमें बहुत सारे डू एंड डोंट्स बता देते हैं। जैसे कि अभी हमें थाईलैंड के ऑडियंस ने बताया कि यहाँ पर टैक्सी के लिए हम ग्रैब ऐप कर सकते हैं। ग्रैब ऐप मैंने किया, हालांकि कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है प्राइस में, बट एटलीस्ट अपने को 20-25 मिनट वेट नहीं करना पड़ेगा। ग्रैब ऐप से आप फूड और टैक्सी दोनों ऑर्डर कर सकते हो, तो ये अपने लिए एक नई लर्निंग है यहाँ। अधिक सा लुक आ रहा है इसका पीछे, यहाँ तो बहुत अच्छी सी रील्स बननी चाहिए हमारी। हम दोबारा बीच पर आ गए हैं और मेरा आज एडवेंचर करने का मन हो रहा है। आज तो भाई देखो मेरा पूरा प्लान है कि हम जेट स्की भी करेंगे, हम पैरा सेलिंग भी करेंगे। ओह भाई अच्छा कहते ही स्टार्ट हो गया। ये तो याद है लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस पैरा सेलिंग वाला? और पैरा सेलिंग के लिए क्या है ना, हम खुद को पकड़ते हैं समुंदर के ऊपर, वो उड़ा देते हैं अपने को पैराशूट सा पहना के। तो बहुत ज़रूरी है कि हम मतलब कैमरा होल्ड नहीं कर पाते वहाँ पे। मैं बताती हूँ पैरासेलिंग का आपको लास्ट वाला एक्सपीरियंस। जब हम फर्स्ट टाइम थाईलैंड आए थे तो क्या हुआ था, लखन ने मुझे अपना वो देने से मना कर दिया, गोप्रो देने से मना कर दिया था कि तू गिरा देगी, लेकिन तब भी मैं लेकर गई थी। अरे भाई उसमें पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, रखो क्योंकि मैं कैमरा यूज नहीं करती हूँ, मेरा काम ये नहीं है। तो उसमें कुछ नहीं था तो उसने एम्प्टी वाला दिया मुझे और मैं ऊपर गई और इतने अच्छे शॉट्स बना के लेकर, वो हम इसमें डालेंगे, इसमें ऐड कर देना वो पुराने वाले। बहुत मजा आया था और लखन शौक थे, तुम शौक थे ना? हाँ मैं शौक था। पता है गाइस, मैंने मुझे लगा कि कैमरा गया तो गया, कम से कम जो मेरी अब तक की क्लिप थी वो नहीं जानी चाहिए, तो मैंने मेमोरी कार्ड इसको नया वाला डाल के दिया था उसमें, पर इसने क्या अमेजिंग शॉट्स लिए थे। अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए भाई, किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए, ये मैंने उसने सीख लिया। वुमन भाई ऐसी एक गाड़ी इंडिया में लेनी है मेरे को, लग रही है ना तगड़ी एकदम। गाइस इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके बीच के किनारे वॉक करते हुए, और सिर्फ ऐसा लग रहा है मैं और नेचर, जैसे बोलते हैं धरती हमारी माँ, हमारी माँ जैसे साथ में। और एक श्लोक भी याद आ रहा है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम समश्वे, मतलब हे माँ मैं आपके ऊपर, जैसे हम बोलते हैं धरती माँ बोलते हैं, कि मैं आपके ऊपर अपने कदम भी रख रहा हूँ तो उसके लिए मेरे को क्षमा करना। ये एक कोरिलेशन है जो हमारे कल्चर में हमें बताया जाता है, हर चीज़ को अपना माना जाता है, हर चीज़ को इमोशंस के साथ अटैच किया जाता है, और मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी ब्यूटी है हमारे कल्चर की कि हम सब चीज़ों में प्राण मानते हैं, सब चीज़ों को हम बहुत मानते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं बेजान चीज़ों में भी। ए तू क्या यहाँ समंदर में कपड़े धो रही है लाके? क्या कपड़े धुल गए भी तो सुखा देती 5 मिनट के लिए। आए हील हो गए थे क्या? वीडियो बनाते मैं हाँ। इसे पूछ ले। थैंक यू, बहुत सही कर रही है भाई तू तो, असली यूज तू ही कर रही है। साबुन भी लाई हूं। वी डू आफ्टर आफ्टर सम टाइम आफ्टर 12 वी डू बिग वन आज फुल एडवेंचर ही करना है भाई अपने को। यार भगवान भला करे ऐसे लोगों का, मैं इतनी देर से यहाँ धूप में खड़ा हूँ
घूम के आया, फिर मैं ना सामान के पास याद आ गया क्योंकि नीतू अपने कुछ रील्स बनाने वाली थी वहाँ पे। ये भाई मेरे पास आया और मुझे बार बार कह रहा है कि सर आप इधर शिफ्ट हो जाओ। मुझे लगा इसका ये सब कहीं जाना होगा, जो मोटर बाइक्स खड़े थे। मैंने कहा ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में हो जाऊँगा। फिर ट्रांसलेटर लेकर आया मेरा भाई मेरे पास, और उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ कि सर आप प्लीज़ यहाँ से आइए, अम्ब्रेला के नीचे बैठ जाइए क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। थैंक यू मैन, थैंक यू माय फ्रेंड, यू आर अ गुड बॉय। देखो आधा लगेज मेरे भाई ने खुद ही ले लिया यार, मतलब इतना हेल्पफुल है ये यार, कितने अच्छे अच्छे लोग हैं यार सच्ची। तो हमारा काफी टाइम यहाँ पे यूटिलाइज हो गया, अब हम होटल जाएंगे, चेंज करेंगे और चेंज करके दोबारा यहाँ पर आएंगे क्योंकि वाटर एक्टिविटीज अब स्टार्ट होने वाली है थोड़ी देर में। अभी तक आपको कोई भी करता हुआ दिखेगा क्योंकि यहाँ टाइम है शायद 10 बजे से और स्टार्ट ही होने वाला, हमने पहले ही प्री बुक करा लिया है अभी, तो हम लोग आते हैं बस चेंज करते हैं। भाई बस यहाँ सामान न रह जाए कोई, एक ही डर बना रहता है यहाँ पे। नीतू उधर वेट कर रही है हमारा, चलो इसे देख के गुची याद आ गया। फिर भी ठीक है, आते में कितने 500 दिए थे ना हमने, 450, उससे तो बेटर ही है। चलो मैंने गलती से यहाँ बैठ गया, इतनी गर्म हो रही है कि मतलब अगर अंडा रख दूँ ना तो ऑमलेट बन जाए उसका। नीतू से मजा तो आ रहा है ना, अलग सा एक्सपीरियंस होता है इसमें। कल रात में भी हम ऐसे ही लेकर आए थे और उसमें नीतू ने ब्लूटूथ से अपने गाने चला दिए थे, हमारे इंडियन गाने पूरी रोडों पे थाईलैंड की में बजते हुए जा रहे थे। भगवान जी वाले चलाए थे हमने। यार होटल में आके एकदम सुकून सा मिल जाता है, इतनी ठंडक और घुटन सी होने लगती है, ऐसा लगता है कि जल्दी से बाहर चलो। वेल ये सूट हमारे न्यू ब्रांड का है जो अभी हम पूरा नहीं दिखा सकते हैं, और ये चूड़ियां मेरी चाची जी ने दी थी मुझे गिफ्ट, तो ये था मेरा आज का लुक। ये निटॉस का है, हाँ ये निटॉस का, और बिंदी पता नहीं कहाँ गिर गई पता नहीं चला। चेंज कर लिया और अब हम निकल रहे हैं, भूख लग रही है बहुत ज्यादा तेज। दोबारा से जाएंगे हम जहाँ से हम आए, पटोंग बीच, और कुछ इंडियन खाना खाएंगे। कल हमने एक बहुत स्मार्ट काम किया था, यहाँ तो सिर्फ ये 2 बोतल मिली थी, आपने देखा ही था रात में, हम ये पूरा कार्टन ले आए थे पानी की बोतल का, देखो इसमें से कितनी सारी हमने खाली कर दी, बस अब 4 बोतल बची, ये भी आज हम खत्म कर ही देंगे। बिकॉज हमने रियलाइज करा हमारे सर दर्द वगैरह इसलिए होते क्योंकि डिहाइड्रेशन के शिकार हो गए थे हम लोग, और आप लोगों ने कमेंट करके बताया था मोस्टली तो कि आप लोग पानी सही से पियो, तो हम वही कर रहे हैं अब, और अब बहुत अच्छा भी लग रहा है, बस टॉयलेट ज्यादा आ रही है, दिक्कत ही है। अबे कहाँ कोने में सरकार रखा भाई नीचे एकदम, चले ये क्या कर रही है, लेंस लगा रही है हा? Yes, मुझे दूर का दिखता नहीं है ना। चल आजा, चलो चलते हैं बाहर। How are you? Good. Hello. Yes, how are you? Good, how are you? Yes, very good. Let's go. Where are you going? Sorry? Where are you going? Where we are going? Yes. Patong Beach. Patong Beach. Satan bus? Yes. Yeah. 1 person? No, 2 person. He's coming. Okay, just okay. 1 minute. So, हम लोग निकल गए यहाँ से और हाँ पानी की बोतल ले लो दो, मैं फिर भूल गया, बट मैंने सारा सामान ले लिया, कपड़े ले लिए, हम जो बीच में एक्टिविटी करेंगे वो पहनने के लिए। सो वेयर आर यू फ्रॉम? फोकेट, फ्रॉम फोकेट। फोकेट लोकल? यस। ओह नाइस। फोकेट थाउ? फोकेट थाउ, ओके। यू कैन गो फोकेट थाउ, गुड प्लेस। यस वेरी गुड फोकेट थाउ। चाबी ली। ले ली 3 बोतल ले ली यार, सब लोग एक एक बोतल पकड़ लेंगे, एक मेरी दे रही है, एक तुषार रोहित की, और एक हां यू सर। Really good, how are you? Yes, very, very good. Let's go. आज हम वही वाली एक्टिविटी करने वाले जो हमने दुबई में की थी। दुबई में कहाँ की थी ये? पैरासीलिंग कहाँ की थी? पैरल्स नहीं, वो वाली बनाना वाली है यहाँ पे। यार वैसे एक बात है, क्या बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको पानी नहीं पसंद, लाइक हिम, ही डजंट लाइक वाटर। तो मैं पानी बिल्कुल नहीं पसंद। क्यों, ये हाथ में क्या है मेरे, देख अरे लेके आया हूँ मैं तुम्हें, मतलब नहीं, किसी किसी में होता है, मेरे को पानी बहुत पसंद है। मैं अगर कहीं जा रही हूँ तो मुझे पूल वाला रूम चाहिए और मुझे पूल व्यू चाहिए, मैं इस टाइप की लड़की हूँ। तो भाई अब हम लोग आ गए हैं लॉबी में, और जो आप मेरे कपड़े देख रहे हो ना, ये मैंने 3 लिए थे, सोन दीदी के लिए, पूनम दीदी के लिए, अपने लिए, लेकिन दे रिफ्यूज्ड। हाय गाइस, क्यों लेकर आते, आपको मैंने बुलाया नहीं था रूम में कि आ जाओ और ले लो, तो 10 मिनट हुए नहीं तब से, 1 घंटा हो गया, आए क्यों नहीं, चलो पहन लो आ जाओ, तो यही पहन लो, मजा अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट है, जले जा इसको, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट ये ले, ये पहन ले, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। मैं तो गाड़ी में, भूख लग रही है बहुत तेज। हां तुम गाड़ी में,
चलो रूम में चलो, रूम में चली जाना उसके साथ चेंज करके यार। वहाँ सुनो, चेंज करके आ जाना, वीडियो बाद बनाएंगे अब हमें, जल्दी जाओ। भूख लग रही है मेरे को। संदीप आपको ब्लश बहुत अच्छा लग रहा है, पूनम जी तेरा भी दे। इन दोनों का गाइस आप नोटिस करना, इनके गाल देखो हमारे रूम में, और इनके प्रॉपर नहीं है, दिख नहीं रहा है ना भाई ये। पता है इनका, पता है मैं बताती हूँ इनका, जो मैंने ये नुस्खा अपनाया है कि बाहर जाके ना ब्लश कम हो जाता है, तो पहले ही ज्यादा लगा के जाओ तो वो कम कम हो जाए। ऐसा है बहन, हम चेंज करके आते हैं। ठीक है ठीक है यार। हाँ कीर्ति कहाँ रह गई? हाय ब्यूटीफुल, हाय। विच कंट्री, विच कंट्री? No English? ए, क्यों है यार, नहीं तो तूने सबको कार्टून बना दिया अपने साथ। विच कंट्री? No English. वो तो तेरे को वैसे भी नहीं आती। क्या मैप दिखाओ इसको, मैप दिखाओ और अपनी कंट्री पे हाथ रखेगी। हमारी हमने बुलाई कहाँ कार? तुमने बुलाई क्यों नहीं? लग बोल देना, बोल दे यार प्लीज जल्दी से। यार तू दिखाना, तू भी एक कंट्री की लग रही है वैसे तो। दिबायो। भाई बंदा मेहनती हो तो किसी भी देश में आके कमा सकता है पैसे, है ना? क्यों मंगाया है? नहीं बंदा मेहनती हो तो किसी देश में आके पैसे कमा सकता है, जहाँ चाव। ये क्या है? कैसा है ये? चावल के पकौड़े। कचरी, कचरी क्या इंडिया में कचरी बोलते हैं सर? खाओ 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 खाओ, छोड़ना मत कुछ भी। भाई इनका ये अच्छा है, कल भी प्यार में चीयर्स करने से लोग। 3, 2, 1 टू द गुड टाइम। तो वी आर बैक, दोबारा से आ चुके हैं हम यहाँ पर। रोहित भाई अपना फोन ही गाड़ी में भूला है, ड्राइवर कितने अच्छे हैं कि देखो देकर चले गए। अभी हाथ धो बैठता भाई इससे। बहुत क्यूट सी बच्चियां मिली हैं यहाँ पे। दोनों कौन सी क्लास में हो? कोई पूछता है कैसे हो, क्या बोलते हो आप? फर्स्ट। क्यों, अगर आपसे कोई पूछता है कैसे हो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे क्यूट हो। बोलो, अब मैं पूछती हूँ कैसे हो आप? बहुत क्यूट है, बहुत ही ज्यादा। तो हम लोग खाना खाने के लिए आ गए हैं और हम लोगों ने राजा मंगाया, अमृतसरी छोले मंगाए, देखते हैं कौन सा वाला ज्यादा टेस्टी है। सबसे पहले आए थे हक्का नूडल्स एंड ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा टेस्टी है। देखो हमने सबने चारों ने खत्म कर दिया, लखन ने नहीं खाया, लेकिन ये कोई प्रमोशन नहीं है। अगर आप थाईलैंड में आ रहे हो, फुकेट में आ रहे हो, तो ये अमृतसरी रेस्टोरेंट है, यहाँ पर आना है। यहाँ पर खाना बहुत टेस्टी है, हर एक चीज बहुत टेस्टी है। अच्छा मुझे नूडल्स पसंद नहीं है, मतलब बाहर के, बट गाइस खाने के बाद रबड़ी मिल गई है अपने को। टू गुड। अच्छी तो है। तो अब हमारी एक्टिविटी स्टार्ट होने वाली है। धूप इतनी तेज है कि सनस्क्रीन मुझे दो पोतनी पड़ेंगी आज दोबारा से। सनस्क्रीन का एक डब्बा तो खत्म कर दिया यहाँ पे मैंने, यही टारगेट था। बट मैं खुश हूँ कि टैनिंग नहीं हुई बहुत ज्यादा, सनस्क्रीन नहीं लगाने से टैनिंग नहीं हुई मेरे को इस बार। नहीं यार टैनिंग होती ना तो अच्छी लगती है, ब्राउन मतलब स्किन थोड़ी अच्छी सी हो जाती है। तू करा ले एंटीबॉडी को लगा ले, सनस्क्रीन अच्छी स्किन कर ले, खत्म करनी है ना इसलिए लगानी पड़ रही है। क्या मजबूरी है तेरी यार। गाइस ज्यादा इमोशनल होने के डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसे कि आज हमारे साथ हो रहा है। सुबह जिस बंदे ने हमें जगह दी थी ना, हम उसी से अपनी ये सारी राइड्स वगैरह लेने वाले हैं। यहाँ से अपने को करीब 700-800 मीटर चलना है, धूप भी तेज है, बट भाई इसको जुबान देकर आए थे हम तो। ठीक है उसी के पास चलते हैं, चले चल। मैंने तो बोलता नहीं तू कर ले यार यहाँ पे, कोई नहीं उसको जाते टाइम टिप दे देंगे। नहीं यार बोल कर आए थे ना, अच्छा नहीं लगता। हाँ यार ठीक है, उसको पता होना चाहिए कि गुडनेस की भी वैल्यू होती है। उसने किसी के लिए कुछ किया, वरना ऐसा ना होना कि आगे से किसी के लिए कुछ करे भी ना। तो हम भाई के पास पहुंच गए, भाई ने अपनी अच्छाई और ज़्यादा बढ़ा ली है। भाई ने बोला कि सर इस टाइम मत जाइए, 5 बजे जाना, बहुत ज़्यादा धूप है और आपकी वीडियोज़ अच्छी नहीं क्योंकि सनलाइट बहुत ज़्यादा आएगी। मैंने कहा थैंक यू भाई, दोबारा से थैंक यू बोला भाई को मैंने। वैसे भाई ने अपना कस्टमर दूसरी बार छोड़ा एक ही दिन में, वो तो हम भले हैं कि हम दोबारा आएंगे। चले चलो चलो। तो गाइस देखो इतना गंदा मेसी रूम आपने किसी का देखा भी नहीं होगा, मतलब यहाँ पर चीज़ें, वहाँ पर सब जगह चीज़ें पड़ी हैं हमारी। यहाँ पर तुषार भाई की किसी के साथ वीडियो कॉल चल रही है, घर वालों को दिखा रहे हैं। और ये देख सकते हो आप नज़ारा, ये फुकेत का नज़ारा। यहाँ है स्विमिंग पूल और जो वहाँ पर दिख रहा है वो है समंदर, यहाँ पर है समंदर। देखो व्यू तुषार भाई कैसा लग रहा है, ये व्यूज कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है स्विमिंग पूल? स्विमिंग पूल में नहीं गए तुम? क्यों? बस यार बन नहीं गया। अच्छा और लग रहा है? अब यार पहली बार एक्सपीरियंस किया, मतलब मजा आ रहा है सच में भाई। लोकेशन बहुत ही बढ़िया है, ये वाला लुक हमारे रूम से आता है। पूनम दीदी का नीचे है
और लखन सर का और नीतू मैम का तो नीचे विला है। गर्मी बहुत है ना तो हम लोग वापस आ गए भाई जहाँ से गए थे। भाई कितना खुश है बंदा यार देखो। ये हाय गुड बॉय। हाय गुड बॉय। सुन ले ना। वी आर बैक जस्ट फॉर यू। आर यू हैप्पी नाउ? या जस्की कुछ नहीं हो रहा। अरे तीन जस्की में हो जाएंगे ना छह लोग हैं। थ्री जस्की या टू पीपल वन जस्की। पीछे बैठ जाइयो ना। अरे तुम पीछे बैठ जाइयो चला थोड़ी रही है तू। नहीं नहीं बीच का ये है नजारा और ये देख सकते हो इसे जस्की बोलते हैं। लेकिन मुझे स्टार्टिंग में पता ही नहीं था ये क्या बोल रहे हैं। मैं चुस्की चुस्की बोल रहा था मुझे चुस्की सुनाई दे रहा था। और पीछे देख सकते हो मैम 360 से शॉट्स ले रही है कुछ। और यहाँ की चुस्की चालू हो गई है सारी। यहाँ सब धामा की तैयारी चल रही है जब सामान रख रहे हैं। और ये बंदा सबसे बड़ी क्या होगा अब इससे सनस्क्रीन दूसरा दे। कौन से साइन कराने लग गया हमसे भाई? ऐसा तो नहीं कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ है? If something happened to us, then I sign. You are not liable? I sign. Where? One jiski, two jiski, three jiski. Okay. Sign? Insurance, third party. If something happened, how much pay me? Yeah. Insurance. Insurance. Yeah, how much? ऐसा लग रहा है ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हैं अपने ऑपरेशन कराने से पहले साइन कर रहे हो कहीं पे। Hi. भाई ने सब कुछ लिखवा लिया वहाँ पे। Hello brother. Kapao, kapao. Kapao? Yes, kapao. Yeah. Sia. Yeah? Sia. Sia. Kanking. Kanking. यही तो फन है यहाँ के। Long thao. Long thao. कोई नहीं बना। Guys देखो मैंने ये खरीदा wrist strap। ये ऐसे मेरे हाथ पे बंद गया। भाई ये दिखा ना। मेरी शक्ल दिखाई जा रहा है। तो अब इसमें क्या होगा ना ऐसे सारे शॉट्स आ जाएंगे। मैं जेट्स की चला रहा हूँ अपने आप ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होता रहूँगा और आपको अच्छे शॉट्स दिखाता रहूँगा। एक बार चेक कर लेता हूँ। मैंने अपनी चप्पलें बचाने की बहुत कोशिश करी बट लहर ने सारा काम खराब कर दिया। और अब हम करने वाले हैं जेट स्की जिसके लिए मुझे पानी वाली एक्टिविटीज वाटर एक्टिविटीज करना। पानी ठंडा है नहीं तू अगर गलती से भी गिर गया। हाँ नहीं 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 तू चले जल्दी जेट स्की मंगा यार। पैरासिलिंग भी करनी है अपने को। हमारी दीदी इसमें नहीं जा रही पैरासिलिंग करेगी बट इसको जितना सामान हमने दिया है और जितनी ये वो लग रही है ना हट्टी कट्टी 2.0 वो इसको डरा के ले जाएगा सारा सामान। अबे हर नेम इज 2.0। ये तो सुन तो ले ये कैसे रखवाली करेगी इन सब चीजों की यार। ये देख भाई मेरी बात पे कोई गौर नहीं कर रहा मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ। क्या कर रही है तू बच्चों की तरह खेल ये तू। मैं नाम लिख रही हूँ। शेल्स भी होते हैं इसमें आज नहीं दिख रहे बस अपने को। लगा तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? लग रहा है बहुत ज्यादा। तुम मेरे पीछे नहीं बैठोगे आगे भी बैठोगे तुम दूसरे में बैठोगे मैं अकेली हूँ। ठीक है तुमने कहीं मुझे गिरा दिया मैंने तुम्हें गिरा दिया। ठीक है अगर तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है तो हम लोग आ चुके हैं जेट स्की करने के लिए और ये जेट स्की जो हम करने वाले हैं ये जो है ना साइड में ये मैं पिछली बार पलटते पलटते बचा था। बहुत सावधानी चलानी पड़ेगी आज ये। आ रही है अपनी जेट्स की। ओ आ जाए जेट्स की आगे जाऊंगी क्योंकि मुझे ये चलाना बहुत पसंद है। तो लखन के एक्सप्रेशन देख के मुझे लग रहा है कि लखन मुझे जाना अकेले नहीं जाने देना चाहते लेकिन मैं जाऊंगी और जीत कर आऊंगी। पूनम बहन आराम से यार मैं कैसे चढ़ूंगा अब। पूनम बहन ये पकड़ लो यार तुम व्लॉग भी बनाओगी और चलाओगी भी। नहीं मुझे लगा मेरे पीछे रोहित है तो सर बैठेगा वो चलाएगा। मैं गलत हत्ते तो नहीं पड़ गया? नहीं मैं हटा दूंगी इसको। तो पहले मैं बैठूंगा पूनम बहन के पीछे बिकॉज मुझे नीतू की कुछ अच्छी अच्छी वीडियोस बनानी है। उसके बाद मैं नीतू वाली जेट स्की पे चला जाऊंगा। तो सर भाई यार तुम्हें कुछ भी नहीं आता जल्दी चलाओ। और मैं ड्राइवर हूँ नो पावर स्पेशली गाजियाबाद से तुषार भाई को बुलाया यहाँ पर थाईलैंड में फुकेत में लो फ्यूल तो यहाँ पर तुषार और रोहित भी आ चुके हैं। एंजॉयिंग बहन बहुत तेज मत करना बस तो हल्का तेज बहुत तेज है। ये जो आगे शिप है इसको मत ठोक देना क्रूज में।
चलो गुड। भाई कैसा बजा रहा है भाई? क्या हुआ? तो गाइस अब हमने फाइनल चेंज कर लिया है मैं और नितिन एक साथ। गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से हम सारा रिकॉर्ड करके दिखा पाए होंगे, और अगर अच्छे से रिकॉर्ड करके दिखाए तो मुझे बताना आपको कैसा लगा हमारे सारे क्लिप्स देख के। अब यार भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, दोबारा हम अमृतसरी रेस्टोरेंट पे जाएंगे, कुछ खाएंगे फिर होटल जाएंगे, क्योंकि होटल में अभी तक आपको नहीं दिखाया वहाँ इन्फिनिटी पूल है हमारे रूम में अटैच, जिसके लिए हमने ज़्यादा पे करा है, उसका अभी तक लुफ्त ही नहीं उठाया हमने। वैसे सनसेट होने लगा है, बहुत प्यारा व्यू है, बट जाना पड़ेगा हम यहाँ से। यहाँ ये हमारा लास्ट मील होने वाला है इंडियन। इन दोनों का देखो फोटोशूट, तीनों का सॉरी, यार बहुत तगड़ा बॉन्ड है इन तीनों का। ओ एक बात बता, चल वो ये दोनों तो नंद भाभी हैं, तुम दोनों क्या हो रिश्ते में? नहीं यार नहीं नहीं यार तुम दोनों क्या? गाइज एक बार प्लीज बताना अगर आपको पता है इन दोनों का, पूनम बहन का और कंजी का रिश्ता क्या हुआ? दिल से हुआ। वैसे तुम दोस्त हो बट वैसा रिश्ता पूछ रहा हूँ मैं, नहीं कुछ और हुआ, लोग बता देंगे कमेंट में। मुझे पता है क्या है ना, मिलकर उसके पास भी नीतू की भड़ास निकालने का कोई चाहिए था, मुझे भी, तो हम दोनों मिलकर नीतू की सब बुराइयां कर रहे हैं। रोहित तेरे साथ, तेरे अंदर ना एक 5 साल का बच्चा है जो अभी तक है, पता है तेरे को बात? भाई ने देखो क्या काम करा है, पता है इसको भी नहीं क्या करा और क्यों करा है, बस करा है ना। गाइस अपना कैमरा मत भूल जाना बस। क्या हुआ भाई, ये कौन से कैमरे का है? वाह A3 का, और ये भी अच्छा था, नज़र उस पर पड़ गई। A3 है कहाँ भाई? हम कम से कम ना 8 कैमरा लाएँ अलग अलग, और ये सबका अलग अलग पर्पस है, इसका अलग जिससे बन रहा है, उसका अलग। यू आर अ गुड मैन, वी गिव यू टिप। ओके या वेट नीतू, वेट 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 ब्रो, दिस इज फॉर यू। यहाँ पर एक बहुत प्यारा मोमेंट आ रहा है, भाई मैम का हाथ लग गया, अब देखो लंबी लव स्टोरी है। फिर जाएगा, चलो यार भेजो फोटो भी, दिलो यार फोटो भी दो, तुम यहां पर ऐसे करो आई लव यू, कह दो भाई कह दो आज भाई, थाईलैंड आके बोलोगे क्या खाएगी, चटपटा क्या मिलेगा यहां। गाइस मेरी चप्पल गीली है, मैं बहुत फूक फूक के कदम रख रहा हूं, वो कहावत है ना दूध का चला छाछ भी फूक फूक के पीता, सेम ऐसे ही हमें बस वहां तक जाना है रोड तक, फिर मैं फ्रीली चल पाऊंगा। गाइस मैं सही सलामत आ गया। तुम्हारे पैरों में मिट्टी आई? किस किस की? मैं मेरे में नहीं आई बिल्कुल भी, सही सलामत आ गया एकदम। चलो कुछ खाते हैं अब। तो वैसे अपना मन था इंडियन खाने का, बट कौन देख के मन ललचा गया मेरे तो, सिख कौन, सब लेंगे ना हाँ। तू भी लेगी ना? ठीक है, तो अंदर से हमने अपने लिए पिज्जा भी ऑर्डर कर लिया, एक वेज पिज्जा आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग भुट्टा खा लेंगे। यस, इधर ही बैठ जाते हैं सारे लोग। यस, हमारा मच अवेटेड भुट्टा, तुम्हारे लिए भुट्टा आ गया है, मुझे टेस्ट कराना। ये नमक नहीं लगाते क्या?
लगाया। लगाते हैं? हम लोग आए हैं पुनीत और सैंडी के लिए टी शर्ट लेने के लिए, और मुझे इतनी प्यारी सी ये दिखी फ्रॉक, ये पता किसके लिए है? सुधीर की बेटी, हमारी परी के लिए है ये। सुधीर की बेटी का नाम प्यार से परी। अच्छा गाइस, आपने बहुत अच्छे अच्छे नाम बताए थे, लेकिन मैं चाहती हूँ आप और भी अच्छे अच्छे नाम बताओ, ताकि हम उसमें से पिक करें कि हम उसका नाम क्या रखें। आप सैंडी, और उसके लिए लेनी है हमें टी शर्ट। नहीं नहीं नहीं, उसको स्पेसिफिकली नहीं, हमें थाईलैंड लिखा हुआ चाहिए। तो अब हम पिज्जा खाने के बाद चलते हैं यहाँ से। नीतू शॉपिंग कर रही है हमारे पूरी टीम मेंबर्स के लिए। हम लोग पिज्जा खा रहे थे क्योंकि आपको पता है मैं बहुत धीरे धीरे खाना खाता हूँ। मैकडी गुड फॉर नथिंग, हम जैसों के लिए। सब कुछ यहाँ नॉन वेज ही मिलता है। चिकन तो एक तरीके से वेज ही है यहाँ क्योंकि नॉन वेज तो यहाँ होता है बीफ पोर्क ये सब। क्या ले रही है इसको कैसे पता तुझे क्या पसंद आएगी? बहुत तेज हो रहा है। और फिर खाएगी नहीं एंड में? मस्त प्लान है। अभी आप लोग मेरी प्रेडिक्शन देखना, ये आइसक्रीम पूरी नहीं खा पाएगी। पकड़ तो एक भी पकड़ लेंगे। आप देखते रहना बस, मैं भी कैमरा हटाऊंगा नहीं, इतना बड़ा ढीट हूँ। ले तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ये पूरा नहीं खाने वाली इसको। अब मुझे बता रही कि इसमें केमिकल का टेस्ट आ रहा है। जब से आइसक्रीम पे टेस्ट था जब तक बेटा तेरे को भूख थी, आ रही समझ? एक मिनट रुक जा। तो अभी यार मैं तो मसाज कराऊंगा, वो लोग सब जा रहे हैं रूम पर बिकॉज उनको वहाँ पूल में जाना है। तो मेरे साथ मेरी बहन रुकी साथ देने के लिए, ठीक है? तो अभी मैं एक काम करता हूँ, एक कोक ले लेता हूँ अपने लिए। कोक पीते पीते दोनों बहन भाई मसाज कराएंगे। तेरे लिए कुछ लेना है? आधे घंटे बाकी बैठी रही हूँ मैं, एक घंटे की मसाज कराऊंगा। कर यार, कल हम घर चले जाएंगे, आज जी ले जिंदगी यार। तो हम लोग अलग जा रहे हैं क्योंकि लखन और दीदी को मसाज करानी है, और हमें मसाज नहीं करवानी है, मुझे पैकिंग भी करनी है। तो हम लोग निकल रहे हैं सबके सब, मैं पूनम दीदी तुषार और रोहित, वो दोनों मसाज कराने चले गए। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठती हूँ अपना गाना चलाती हूँ, तो अगर आप ये कैब ले रही हो, ये टुक टुक ले रहे हो, तो अपना ब्लूटूथ कनेक्ट करना और गाना चलाना। मैं तो अपना फेवरेट गाना चलाती हूँ, टॉप नॉच गबरू। ये वाला क्लासिक सा लग रहा है, चल भाई इधर ही चलते हैं। इसको फेंक दे, नहीं नहीं खा पाएगी, तो मेरे को पता है। बहना कैसी थी मसाज? बढ़िया, आज अच्छी लगी तेरे को? मुझे भी अच्छी लगी। अब चलो हम चलते हैं रूम की तरफ, और फिर ब्लॉग को करेंगे खत्म थोड़ी देर में। हम लोग अपने होटल पर आ गए, बस अपने रूम में जा रहा हूँ। नीतू डरपोक है इसलिए उसने पूनम दीदी को अपने पास बिठा रखा है। अब मैं दीदी को लेके जाऊंगा, दीदी वहाँ से पूनम दीदी के साथ आ जाएगी। चलो भाई कार्ट में बैठ गए अपनी, लेट्स गो। नींद आ गई तेरे को भी? मसाज इतनी अच्छी थी क्या? 203 भाई ने रूम का नंबर ही नहीं पूछा, भाई लेके चल दिए बस। आ गए हम लोग रूम में। कौन है, मतलब कौन होगा हमारे सिवा यार? दो मिनट रुको। तो गाइस अब बस पैकिंग कर लेता हूँ, क्योंकि सुबह सुबह अपने को निकलना है यहाँ से, और सुबह 5 बजे में किसी घर में निकल जाना है, बिकॉज हमारी फ्लाइट है 7 बजे की, बोर्डिंग है। एक घंटा जाने में भी लगेगा अपने को। अब बस पैकिंग में लगता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करता, वरना दिक्कत हो जाएगी यार। तो ये मेरा सामान अभी भी ऐसे ही पड़ा अनपैक। बट आपसे मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। कल आपको दोबारा घर वाला व्लॉग देखने को मिलेगा। बाय बाय, टेक केयर। अगर लाइक करना भूल गए थे तो लाइक कर दो, अगर आपका मन नहीं है तो मैं कितना ही बोलूँगा आप नहीं करोगे ना, बट पता है आपके लिए बस एक ऐसे क्लिक करना होता है, मेरे को मोटिवेशन मिल जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सोचो 6-7 लाख लोग देखते हैं, 1 लाख लाइक भी नहीं होते, तो मतलब अजीब लगता है फिर। ओके चलो बाय, टेक केयर।